जान लेते हैं आपसे आज। जी हाँ बिल्कुल, पंचांग कुछ इस प्रकार, 14 फरवरी 2020 दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2076, सक संवत 1941, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। इसके साथ ही नक्षत्र चित्रा योग गंड बना हुआ है। राहु काल आज सुबह 8:30 से लेकर सुबह 9:32 तक रहेगा। साथ ही चंद्रमा जो है वह कुंभ राशि में, साथ ही सूर्य जो है वह मकर राशि में संचार करेंगे। जी बिल्कुल, तो चलिए ये तो बात हो गई आज के पंचांग की, अब राशियों की ओर रुख करते हैं। और जैसे कि राशियों की शुरुआत मेष राशि से होती है, जान लेते हैं कि ये राशि आज के दिन क्या कहती है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, मेष यानी कि एरीज कार्यस्थल में एक सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें, कहीं ना कहीं दिक्कत समस्या आ सकती है आपके वर्क प्लेस में। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने कार्यस्थल में, अपने दफ्तर में अपने अधिकारियों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने का आप प्रयास करें। कुछ सहकर्मी से भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत, तकलीफ, समस्या जो है जन्म ले सकती है, तो बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही रूप से अधिकारियों के साथ, साथ ही अपने सहकर्मियों के साथ अपने दफ्तर में, ऑफिस में आप बेहतर संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। विरोधी पक्ष आज के दिन सक्रिय रह सकता है, तो उनसे सावधानियां आप बरतें। बहुत जरूरी है कि देखें कि किसी प्रकार की अड़चन या आपके कार्य में अवरोध किसी विरोधी पक्ष के कारण ना जन्म ले ले। ननिहाल पक्ष से मामा के घर से आपके कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी इस शुक्रवार आपको हो सकती है। चलिए बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई मेष राशि की, बढ़ते हैं आगे दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि की ओर। जी हाँ, वृष यानी कि टॉरस, अच्छी स्थितियां लेकिन वैवाहिक जीवन में खुशियां आती दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण है वैवाहिक जीवन को संजो के रखने का इस समय आप प्रयास करें। लंबे समय से जो स्थितियां ऑफ ट्रैक चल रही थी उनमें अब सुधार और वैवाहिक जीवन में खुशियां शुक्र की कृपा से, शुक्र जो है सफलता, अनुकूलता और सुखमय आपके वैवाहिक जीवन को बनाते हैं। तो आज शुक्रवार के दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए जो उनके राशि स्वामी भी होते हैं वह भी शुक्र होते हैं, तो वैवाहिक जीवन में अनुकूलता और खुशियां शुक्र की कृपा से इस शुक्रवार आपके जीवन में बरसने वाली है। सकारात्मक जीवन की ओर अब आप रुख कर पाएंगे। अच्छी स्थितियां हैं जब आप किसी पॉजिटिविटी को ग्रास करके कार्य कर पाएंगे, यानी कि कोई बुरी हैबिट भी अगर आपकी है और त्यागना आप चाह रहे हैं तो निश्चित ही यह दिन बहुत आसानी से आपको उसका संकल्प लेने के लिए जो है अग्रसर कर सकेगा। घर में आज कोई मेहमान या अतिथि का आगमन भी संभव है। बिल्कुल, तो घर में मेहमान आने की संभावना बनी हुई है और वहीं जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव भी आपके लिए आज आने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। जी हाँ बिल्कुल, मिथुन यानी कि जामिनी, महत्वपूर्ण है कि आप अपने नेत्रों का ख्याल रखें। कहीं ना कहीं आई से रिलेटेड कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है, कोई दिक्कत, आंखों में इन्फेक्शन पैदा हो सकता है या जलन चुभन की दिक्कत, आंखों में लाली भी आपको सता सकती है, तो बहुत जरूरी है कि आप उसका ख्याल रखें दिन की शुरुआत से ही। विशेषकर अगर छोटे बच्चे हैं, 12 से 15 वर्ष के बीच आयु है, तो उनको नेत्रों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। कहीं ना कहीं चश्मे की समस्या भी जन्म ले सकती है। ससुराल पक्ष में हालांकि बहुत अच्छे योग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ससुराल पक्ष से कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है या ससुराल के किसी व्यक्ति से मुलाकात भी आज के दिन आपकी हो सकती है। शासकीय कार्यों में जो बाधाएं आ रही हैं उसके लिए थोड़ा सा सतर्क और सावधान आपको रहने की यहाँ पे सलाह, क्योंकि कुछ शासकीय लोगों के चलते या कुछ शासकीय कानून के चलते जो है आपके कार्य आज के दिन विलंबित हो सकते हैं। बिल्कुल, तो शासकीय कार्यों में यानी कि सरकारी काम में बाधा कुछ आ सकती है, रुकावट आ सकती है, लेकिन वहीं ससुराल पक्ष से लाभ के योग कुछ बनते दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि के भी जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ में है, पूर्व से दिशा जी ने यहाँ किया है। बहुत जी, जन्म समय और जन्म स्थान 6:13 में स्थान से जी 6:13 में का समय है। मम्मी ने बताया था कि आपको फोन किया, पूछना चाह रही थी कि हाल से मैं नेट पर तैयारी कर रही हूँ लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रही है, ये आखिरी तो क्या मतलब मेरा सिलेक्शन इस बार में एग्जाम है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? अगर नहीं तो किस कैरियर में मैं तो बहुत दिक्कत। दीक्षा जी देखिए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, शांत हो जाइए और इतना मानसिक तनाव आप लीजिए।
सफलता आपको अभी तक नहीं मिली है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कभी नहीं मिली। अभी जो परिस्थितियां हैं निश्चित ही 6 महीने बाद नहीं रहेगी, तो ये समझने की आवश्यकता है, थोड़ी सकारात्मकता पॉजिटिविटी लाने की आवश्यकता है कि निश्चित पिछले 3 वर्ष खराब बीते हैं, संघर्ष में बीते हैं। आपके किए हुए जितने भी प्रयास थे, जो भी एफर्ट्स आपने लगाए हैं मेडिकल के क्षेत्र में, उसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, लेकिन आपकी धनु लग्न की कुंडली है और आपकी जो राशि है मीन है, आपकी कुंडली में 2 बहुत अच्छे योग बने हैं जो आपको बहुत अच्छा सर्जन या आगे मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा चिकित्सक बनाते हैं। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपको रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सकारात्मकता के साथ आप करिए, पॉजिटिविटी के साथ करिए, पूरा 100% देखिए। पिछले 3 साल में आपने जितनी मेहनत की उससे ज्यादा मेहनत आप इस बार कीजिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बहुत अच्छे योग यहाँ पे बने हुए हैं। आपको एक और बात मैं बता दूँ, गज केसरी नामक बहुत खूबसूरत राजयोग भी आपकी कुंडली में निर्मित है। ये बताने के पीछे कारण ये है कि आप थोड़ा यहाँ पे मोटिवेट हो जाए, जितनी हताश और निराश आप हुई हैं उतनी होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे योग हैं कुंडली में, थोड़ी धैर्यता आप रखें। कई बार सक्सेस डिलेड रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में आ जाएं और बिल्कुल ये सोच ले कि आपका जीवन में कुछ नहीं होगा। बहुत सरल रूप से मैं आपको बोलूंगी, एक पुखराज आप धारण कर लें, कोई उपाय पे ना आप जाएं, क्योंकि आप उपाय करेंगे तो आपका पढ़ाई से मन हटेगा। तो एक पुखराज आप 4 से 5 कैरेट के बीच बनवा के पहन लीजिए स्वर्ण में बृहस्पतिवार के दिन, और बिल्कुल एकाग्रता के साथ आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। गुरु की स्थिति मजबूत होगी, बेहतर एजुकेशन की ओर आप अग्रसर होंगे और अच्छे एग्जाम में आपको रिजल्ट प्राप्ति के लिए आसानी होगी। जी बिल्कुल। इनके बाद में भिलाई से आनंद जी ने जी हमें कॉल किया है। आनंद जी बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सवाल रखने से पहले अपना जन्म विवरण बताएं। मैडम और बात किया था पहले, संविधान नहीं पाया था, मैं जानना चाहता हूँ मैडम, 17 मई 1974। जन्म समय और जन्म स्थान। जन्म समय है सुबह का 5:15। जन्म और भिलाई के जन्म। मैडम जी से मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं अभी तक का जॉब के लिए ट्राई करा था, मैं अभी बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ और कौन सा बिजनेस करूँ, ईस्ट बता दीजिए। और मेरा मैं सफेद कुकड़ा धारण किया हुआ है, मैं क्या करूँ? देखिए, सफेद पुखराज की सलाह हम आपको यहाँ नहीं देंगे। मेष लग्न की कुंडली है आपकी, मीन आपकी राशि है। किसी प्रकार का ब्रोकरेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, कमीशन से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, इन क्षेत्रों में आप कार्य कर सकते हैं। और अगर कोई स्टोन अगर आपको पहनना है तो या तो आप मूंगा पहन सकते हैं या फिर आप माणिक पहन सकते हैं। चलिए बिल्कुल, तो मूंगा या माणिक आप दोनों में से ही कोई एक रत्न जो है वो धारण कर सकते हैं। चलिए अब राशियों की ओर रुख करते हैं। सूरज जी, कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं कि क्या कहती है राशि आज। जी हाँ, भाग्य के भरोसे आप ना बैठे, कैंसरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज शुक्रवार षष्ठी तिथि में भाग्य के भरोसे ना बैठे, जितना हो सके अपने प्रयासों पे आप कार्य करें, आप एक गोल बनाएं और उसको सेट करने निकल जाए, सफलता अवश्य ही मिलेगी। भाग्य के भरोसे, लक फैक्टर के भरोसे अगर आप बैठेंगे तो वो बहुत कमजोर है आज के दिन, आपके कार्य जो है पूर्ण नहीं हो पाएंगे। स्वयं कार्य करने का बीड़ा उठाएं और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। यात्रा के योग भी यहाँ पे बनते दिखाई दे रहे हैं, आसपास के किसी जलीय स्थान की यात्रा पे भी आप निकल सकते हैं, मनोरंजन से संबंधित ये यात्रा हो सकती है, 1 से 2 दिन की यात्रा पे भी आज के दिन आप निकल सकते हैं। आत्मविश्वास और ऊर्जा साहस भरपूर मात्रा में रहने वाला है आपके लिए, बहुत अच्छी स्थिति है कैंसरियंस को, जब इस शुक्रवार के दिन बहुत भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलने वाली है, आत्मबल आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। केवल महत्वपूर्ण है कि किस दिशा में किस तरीके से आप इस आत्मविश्वास और ऊर्जा का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, तो आपको कार्य करना होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, आत्मविश्वास और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग निश्चित तौर पर आपको करना होगा। चलिए ये तो बात हो गई इस राशि की, अब जान लेते हैं सिंह राशि के बारे में। बिल्कुल, सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत अच्छी स्थितियां आज के दिन बनती दिखाई दे रही हैं, विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो लगातार तरक्कीशील रहेंगे आप, प्रगतिशील रहेंगे आप, लगातार पदोन्नति के योग इस समय आपके लिए बने हुए हैं। केवल एक बात जिसका आपको ख्याल रखना है वह है अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें, गुस्से पे नियंत्रण रखें, जितना ज्यादा हो सके आप मानसिक रूप से अपने आप को शांत रखें। और इंजीनियरिंग से संबंधित जो वर्ग है उनके लिए यहाँ पे विशेष दिन जो है लाभकारी सिद्ध होने वाला है।
बिल्कुल, तो कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग कुछ बनते दिखाई दे रहे हैं। गुस्सा करने से, आक्रोश से आपको बचना होगा। इंजीनियरिंग वर्ग से संबंधित लोगों को सफलता भी मिलने के निश्चित तौर पर यहाँ पर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ये तो बात हो गई सिंह राशि की, अब जान लेते हैं कन्या राशि के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, आर्थिक धन लाभ के योग बहुत ही प्रबल हैं, बहुत अच्छी स्थितियां हैं। जब इस शुक्रवार माँ लक्ष्मी आपके घर पधारने वाली है, पूरे मन से उनका स्वागत करें। व्यापार व्यवसाय में भी बहुत अच्छे योग हैं, जब बड़े पैमाने में आपको आर्थिक लाभ यानी कि फाइनेंशियल गेन पहुंच सकेगा। नेत्र से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईज का आप अपने ख्याल रखें, आंखों को बिल्कुल भी आज के दिन नजरअंदाज ना करें। नजरअंदाज से अर्थ यहाँ पे यह है कि लापरवाही आप नेत्रों को लेके ना करें। बिल्कुल, तो आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है, लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं बरतनी है, इस पर निश्चित तौर पर आपको ध्यान देना है। तो फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से वापस आने के बाद बाकी के राशियों के बारे में बात करेंगे। के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। तो बाकी की बची राशियों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हरियाणा से कृष्ण कुमार जी ने जी हमें कॉल किया है, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सवाल रखने से पहले अपना जन्म विवरण बताएं। कृष्ण कुमार जी, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क उनसे नहीं जी हो पा रहा है। और एक और कॉलर हमारे साथ में बिलासपुर से जुड़ जी चुके हैं, रुपेश जी ने हमें कॉल किया। रुपेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सवाल रखने से पहले अपना जन्म विवरण बताएं। 27 सात। अपनी टीवी की वॉल्यूम आप सबसे पहले म्यूट कर दें, और उसके बाद में अपनी जन्म तिथि बताएं। जी 27 सात 1973 मैडम। जी, जन्म समय और जन्म स्थान। सुबह 9 बजे कांकेर। 9 बजे और कांकेर। सवाल रखें अपना, जी क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, ये मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, वहाँ कुछ परेशानी चल रहा है, तो मेरा हल हो पाएगा कि दूसरा जॉब कुछ करूँगा, ये पूछना था। देखिए, जॉब चेंज की यहाँ पे संभावनाएं दर्शा रही है, संभव है कि आपके जॉब में परिवर्तन शीघ्र हो जाए, तो आप दूसरी जॉब की तलाश करके ही और वहां पे एक बार बात पक्की हो जाने के बाद ही बैकअप के साथ अपनी जॉब को छोड़िएगा, क्योंकि शनिचंद्र विष योग बनाए हुए कई बार छली स्थिति बन जाती है। तो बहुत जरूरी है कि एक जगह से बात पक्की होने पे ही आप अपनी जॉब को क्विट करें, और हाँ, संभावनाएं अधिक है कि आपकी दूसरी जॉब इस समय लग जाए। बिल्कुल, तो चलिए अब राशियों की ओर बढ़ते जी हैं। ऐश्वर्या जी, तुला राशि के बारे में जान लेते हैं कि आज शुक्रवार का यह दिन तुला राशि के जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव जो है बना रहने वाला है तुला राशि के जातकों के लिए। कोई ना कोई चीज को लेके उलझन रह सकती है, कोई नई योजना जिसके लिए आप यकीनन श्योर नहीं हो पा रहे, उस चीज को लेके लगातार चिंतन मंथन बना रह सकता है। महत्वपूर्ण है सही समय में सही निर्णय आप ले। व्यापारी वर्ग के लिए विशेष रूप से सलाह, अपने व्यवसाय में सही निर्णय का इस समय सही समय पे आप प्रयास करें कि आप सही निष्कर्ष पे जरूर से पहुंचे। इसके अतिरिक्त अनिद्रा की समस्या भी इन 24 घंटों में आपको सता सकती है। आज रात्रि नींद नहीं आने की या मानसिक उलझन की समस्या लगातार बनी रह सकती है। इसके लिए एक सरल उपाय आप करें कि आज दिन भर सफेद रंग के वस्त्रों का आप उपयोग करें। मानसिक तनाव बना रहेगा, और व्यापारियों को व्यवसाय में लाभ के भी योग कुछ बनते दिखाई दे रहे हैं। ये तो बात हो गई तुला राशि की, बढ़ते हैं आगे वृश्चिक राशि की ओर। स्कॉर्पियंस के लिए सर्दी खांसी से बचने का समय। वृश्चिक राशि के जातकों को लगातार कफ की समस्या रह सकती है, लंग्स लंग्स का जो एरिया है वह इन्फेक्टेड रह सकता है, तो बचाव करने की आवश्यकता सर्दी खांसी की इस समय आपके लिए। और व्यापार व्यवसाय के संबंध में अगर कहा जाए तो थोड़ी समस्याग्रस्त स्थितियां उलझने लगातार आपकी बढ़ सकती है, लेकिन व्यापार व्यवसाय अगर साझेदारी का है तो और भी सतर्कता और सावधानियां साथ आप अपने लेके चलें। बिल्कुल, कृष्ण कुमार जी हमारे साथ जी हरियाणा से जिन्होंने हमें कॉल किया था, वो एक बार फिर से जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। सवाल रखने से पहले जन्म विवरण बताएं। 11 मार्च सुबह 4 बजे। 11 मार्च सन 1986 सुबह 4 बजे। 1986, हाँ मैडम, जी 4 बजे सुबह 4 बजे। और जन्म स्थान? सुबह चार सुबह है कि मैडम 11 है, स्पष्ट करें। सुबह 4 बजे मैडम, सुबह 4 बजे स्थान सूरजगढ़ जी। सवाल रखें अपना, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना था।
देखिए, शासकीय नौकरी का योग जो है कुंडली में बहुत ट्रबल नहीं है, तो बहुत दिक्कतें अड़चने आपको शासकीय नौकरी की प्राप्ति में आएंगी। सलाह यही है कि प्राइवेट जॉब के लिए आप जितना शीघ्र हो सके अग्रसर हो जाए तो बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। मंगल शनि साथ में बैठ के सफलता में भी देरी ला रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप प्रयासरत रहे कि आपको आय का कोई अच्छा स्रोत मिल जाए। बिल्कुल। इनके बाद में जबलपुर से सुनीता जी जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका सुनीता जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। सवाल रखने से पहले अपना जन्म विवरण बताएं। जी हेलो। सुनीता जी, सवाल रखने से हाँ पहले जी, अपना जन्म विवरण बताएं। 1177। 1177। जी, जन्म समय और जी, जन्म स्थान? समय तो पता नहीं है पर खंडवा है। सरकारी खंडवा इनका जन्म स्थान है। क्या जानना चाहती हैं आप? सवाल रखें। नौकरी कब तक लगेगी? प्रयासरत हूँ मैं। जैसे देखिए, शासकीय नौकरी का योग जानने के लिए कुंडली आपकी यहाँ पे स्पष्ट होना पूरी आवश्यक है। जन्म विवरण की आवश्यकता है, एक बार आप इसका ज्ञात करके पुनः संपर्क करें। बिल्कुल। तो चलिए अब राशियों की ओर बढ़ते जी हैं। ऐश्वर्या जी, धनु राशि के बारे में जान लेते हैं कि आज शुक्रवार का यह दिन धनु राशि के जातकों के लिए आखिर कैसा बीतने वाला है। जी सैजिटेरियस के लिए धन संचय में रुकावट आ सकती है, महत्वपूर्ण है थोड़ा सा धन। आप कोशिश करें कि आप संजोने की जगह आज शुक्रवार के दिन उसको लैविशली एक्सपेंड करें। आज का व्यय किया हुआ धन बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पास पहुंचेगा, तो थोड़ा इस कॉन्फिडेंस के साथ जो है घर के लिए, परिवार के, विशेष रूप से घर के साथ सज्जा के लिए जितना हो सके आप खर्च करने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन में हालांकि मन मुटाव के योग है, परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। वाणी प्रभावशाली रहने वाली, सही स्थान पर आप इसका उपयोग करके इसका लाभ उठा सकते हैं। संतान पक्ष से भी सुख प्राप्ति के योग आपके लिए प्रबल है। बिल्कुल। इसके बाद मकर राशि के बारे में भी जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जी में जुड़ चुकी है। सूरत से गीता जी ने हमें कॉल किया। गीता जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सवाल रखने से पहले अपना जन्म विवरण बताएं। जी, मेरे छोटी बहन का है, उसका जन्म विवरण है 9/9/93। 9/9/93। जी जी, जन्म समय जन्म स्थान? दोपहर का 1 बजे का है, एक और बज के 5 मिनट से जन्म है दोपहर के। सूरत बिल्कुल। का ही जन्म है उसका। सवाल रखें अपना, क्या जानना चाहती हैं? जी, सवाल ये है, उसके बाल बहुत झड़ते, वो परेशान रहती है, इस वजह से दुखी रहती है। बाल झड़ते थे पहले, बहुत बड़े बाल थे उसके। देखिए, आप जो समस्या बता रहे हैं निश्चित हम समझ सकते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राहु लग्नस्थ होने से विशेष रूप से हेयर से संबंधित जो है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है ऐसे जातकों को। बहुत अनयूजुअल ग्रोथ भी कई बार देखने को मिलती है, शरीर में, हाथ पैर में, कुछ अंगों में बहुत ज्यादा मात्रा में जो है बालों की ग्रोथ देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है स्थिति के कारण इसके प्रतिकूल परिणामों में बहुत ज्यादा हेयर फॉल भी देखने को मिलता है, तो दोनों ही समस्या अपने आप में जटिल है। इसके लिए इन्हें कहें कि ओम राम रावे नमः का शनिवार से 108 की संख्या में जप करें, इससे बहुत ज्यादा राहु की अनुकूलता इनको मिलेगी और जो हेयर का इम्बैलेंस शरीर में हो रहा है वह दूर होने लगेगा। चलिए अब राशियों की ओर रुख करते हैं ऐश्वर्या जी, मकर जी राशि के बारे में जान लेते हैं आपसे। बिल्कुल, मकर राशि के जातकों के लिए ये दिन जो है दौड़ धूप से भरा रह सकता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि परिश्रम पराक्रम पे आप पूर्णतः जो है अपना एकाग्रता बनाए रखें, फोकस बनाए रखें, यहाँ से सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। छोटे भाई बहनों से भी सहयोग आज के दिन आपके लिए लगातार बना रहेगा। चलिए, ये तो बात हो गई इस राशि की, बढ़ते हैं आगे कुंभ राशि की ओर। माता से सुख प्राप्ति के योग कुंभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन और सदैव जीवन भर सभी राशियों के लिए, तो इस बात का ख्याल कुंभ राशि के जातक विशेष रूप से आज शुक्रवार के दिन रखें कि अपने जीवन में आपके जो जन्म से लेके अंत तक जो हमारे लिए हमारी माँ जो लक्ष्मी के रूप में बनी रहती है उनके चरण स्पर्श करके आज लक्ष्मी को साक्षात नमन करके आप घर से निकले, आपका दिन आरामदायक रहेगा, जीवन सफल और सुखमय रहेगा और भवन प्राप्ति के योग भी इससे आपके लिए विशेष रूप से आज जन्मेंगे। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की ओर। बिल्कुल, मीन यानी कि पाइसेस, आकस्मिक धन लाभ के योग तो कहा जा सकता है। माँ लक्ष्मी जो है आज एकदम से आकस्मिक रूप से आपके घर पे, आपके जीवन पे, आपके द्वार पे जो है दस्तक दे दे, उनके लिए अपने द्वार आज के दिन सजाए आप रखें। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, तो विद्यार्थी वर्ग के महत्वपूर्ण है कि एकाग्रता शिक्षा में इस समय ज्यादा बनाए रखें।
बिल्कुल, तो आकस्मिक धन लाभ के योग कुछ बनते दिखाई दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन बाधा आएगी जिसके लिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इसी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐश्वर्या जी, आपका बहुत जी शुक्रिया कि आज आप हमारे बहुत स्टूडियो में आए और धन्यवाद, हमारे दर्शकों को आपने उनकी राशियों के बारे में धन्यवाद। बताया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।